आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बच्चों के उत्तम मेध्य रसायन के बारे में, ब्रेन टॉनिक के बारे में। एक ऐसी दवा है जो बच्चों की पुष्टि, बच्चों के मन, थकावट से लेकर हर एक मन के विकारों पर, हृदय के विकारों पर अद्भुत इसका कार्य है। ऐसी दवा जहां पर हम देखते हैं बेहतरीन फायदे कुछ ही हफ्तों की शुरुआत करने से। आज 50 से भी ज्यादा देशों में आयुर्वेद द्वारे पेशेंट्स की चिकित्सा जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद कर पा रही है। हर बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, इनमें हम बहुत चिंता देखते हैं कि मेरे बच्चे को ADHD कहा है, एंग्जाइटी कहा है, न्यूरोसिस कहा है, सर्वी पाल्सी कहा है कि एज रिलेटेड ज्यादा नहीं हो सकता, कुछ बात नहीं कर पाएगा, इतना ही स्टैमरिंग होगा, अड़क अड़क की आवाज रहेगा, इसकी स्मृति का कुछ नहीं किया जा सकता, इसकी ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसके केसेस आज कितने ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं गर्भ संस्कार और आयुर्वेद के नियम नहीं करने के कारण, आज उसके भी बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। बट इस वीडियो में हम जानने वाले क्यों और किस तरीके से बेहतरीन रिजल्ट है आयुर्वेद एंटीसाइकेट्रिक दवाइयों का, किस तरीके से वो जड़ पे काम करते हैं, क्या उसका कार्य है, क्या यूजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले आयुर्वेद के सर्व उत्तम मेध्य रसायन के बारे में। सो जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। कई बार पेशेंट्स का कमेंट होता है, वो पूछते हैं कि क्या आयुर्वेद में स्ट्रेस के लिए, बच्चों के लिए, मेरे ADHD या ऑटिज्म के बच्चों के लिए कुछ है। ऐसे बच्चे जो ज्यादा नहीं कर सकते, बहुत इरिटेशन रहता है, टीवी फेंक देते हैं, रिमोट फोड़ते हैं, मम्मी डैडी को मारते हैं, क्या इन बच्चों के लिए कुछ किया जा सकता है? स्पेशली जो चैलेंज लोग है, स्पेशली एबल जो सुपर ह्यूमंस है, क्या इनके लिए कुछ किया जा सकता है? आयुर्वेद में क्या ऐसे कुछ बताया है? So, हम जनरली इन महीनों पेरेंट्स को बताते हैं कि काय बाल ग्रह उर्ध्वांग शल्य दंष्ट जरा वृषा, ऐसे 8 ब्रांचेस बोले आयुर्वेद में। सो क्या आयुर्वेद में साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स का कोई जगह है? कोई जगह नहीं है, पूरा एक शास्त्र बताया है। 8 ब्रांच में से एक पूरा शास्त्र है जो है भूत विद्या, काय बाल ग्रह उर्ध्वांग शल्य दंष्ट जरा वृषा। भूत विद्या, आयुर्वेदिक एंटी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, ये पूरा एक शास्त्र, पूरा एक ग्रंथ बताया है, पूरा एक एक्सप्लेनेशन दिया है, जहां पर सुंदर रिजल्ट्स है ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे मनोविकारों के लिए, जहां पर हम देखते हैं लॉट ऑफ इरिटेबिलिटी, इंसैनिटी, उन्माद, अपस्मार की तरह, जहां अकड़ी आ रही, कन्वर्जन है, बात नहीं कर पा रहे, आवाज बैठा है, टिनिटिस आवाज आ रहा है, ट्राइजिमनल न्यूरलजिया जो कि बहुत ही बर्निंग, सलमान खान सर को ये प्रॉब्लम, बहुत ही बर्निंग प्रॉब्लम है, पेशेंट्स को बर्निंग पेन, टेरिबल थ्रोबिंग पेन्स रहते हैं, ऐसे कंडीशन जहां पर नर्व डिसऑर्डर्स, न्यूरलजिया, जैसे कि हाथ पैर को मुंगियाना, सुन पड़ना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस, विश्वची जिसको बोलते हैं, जहां पर यहां से यहां ट्रैवलिंग पेन रहता है, कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया, ऐसे नर्व पे जाने वाले विकारों के लिए बेहतरीन है फायदा इस दवाइयों का। आयुर्वेद में पूरा शास्त्र बताया है ADHD और ऑटिज्म। आज ADHD और ऑटिज्म हम देखते हैं दुनिया भर में कोई उपाय नहीं है। आयुर्वेद में बताए हुए दवाइयां, पंचकर्मा, सुवर्ण युक्त कल्प, सुवर्ण प्राशन, पिंपल पान विधि, विद्ध कर्म और ऐसे दवाइयों से हम बेहतरीन फायदा देखते हैं इन जस्ट फ्यू टाइम। सो इस पूरे साइंस में एक ऐसी दवा के छोटे से पार्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमें जानना चाहिए कि आयुर्वेद ह्यूमन बॉडी को एक इन्वर्टेड ट्री की तरह कंपेयर करता है। इन्वर्टेड ट्री की तरह यानी कि जो एक ट्री के रूट्स होते हैं वो एक ह्यूमन बॉडी का ब्रेन होता है। ये एक CPU है, ये एक मेन मैकेनिज्म है, इट इज द कंट्रोलर ऑफ द एंटायर बॉडी। एक बार फिजिकल हेल्थ हम नहीं देखते तो भी ठीक है, पर मेंटल हेल्थ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। मन की स्थिति हमारी परिस्थिति को डिसाइड करता है, तो ये स्थिति पर सतत काम करना ये हमारा काम है। तो जितना हम पेड़ों को पानी देने वाले हैं उतना वो पार्ट हमारा ग्रो करने वाला है। सो उसी तरीके से मन पे जितना काम करते हैं उतनी हमारी ओवरऑल लाइफ की ग्रोथ हम देखते हैं। और आजकल थकावट, वीकनेस, फटीग, ये बहुत ही कॉमन है, पोस्ट कोविड फटीग, वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इन सभी विकारों में इस दवा के बेहतरीन फायदे। आज हम बात करने वाले बहुत ही फेमस दवा के बारे में जो कि है सारस्वत अरिष्ट, सारस्वत चूर्ण, सारस्वत घृत, सारस्वत अरिष्ट, ये कुछ सारस्वत के दवाइयां है। सारस्वत अरिष्ट इज ए लिक्विड मेडिसिन और ये दवा के ब्रेन टॉनिक करके ये फेमस दवा मानी जाती है। मन की शक्ति, तनाव, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, इंसैनिटी, एपिलेप्सी, कंफ्यूजन, कंफ्यूज्ड हमेशा रहना, सिर्फ खिलौनों के साथ खेलते रहना,
दूसरी लाइफ यानी दूसरा जो पार्ट है दुनिया, जो दोस्त है, पेरेंट्स है, उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना, खुद की एक अलग दुनिया बनाना, इस सभी विकारों के लिए आयुर्वेद के बेहतरीन फायदे। और उसमें से एक छोटा पार्ट है सारस्वत अरिष्ट। सारस्वत अरिष्ट ये बुद्धिवर्धक बताया है आयुर्वेद में, बताया कि मन का स्थान हृदय में है, इसलिए हृदय के हर विकार और मन के हर विकारों पर सारस्वत अरिष्ट के बहुत ही अच्छा कार्य हम हर पेशेंट में आज ऑन ए डेली बेसिस पेशेंट्स पे देखते हैं। 50 से भी ज्यादा देशों में आज आयुर्वेद का उपयोग किया जा रहा है और बच्चों में इंप्रूवमेंट देखते हैं। जहां पर पेशेंट्स और पेरेंट्स को लगता था कुछ भी उपाय नहीं है, बहुत ही टेंशन लेते थे, आज बच्चों में इंप्रूवमेंट्स उनके चलने में, रिस्पॉन्स में, बात करने में, उनके अंडरस्टैंडिंग में, उनके स्पीच में, उनके फ्रेशनेस में, ये सभी चेंजेस देखकर हम पेशेंट्स का रिप्लाई देखते हैं कि आयुर्वेद इन असाध्य विकारों के लिए भी किस तरीके से आयुर्वेद के नियम और आयुर्वेद के दवा से सब कुछ साध्य हो रहा है। ये सभी श्रेय आयुर्वेद का है और आयुर्वेद के आचार्य क्या है, क्योंकि उन आचार्य ने दिए हुए सिद्धांतों से हम देखते हैं आज के कठिन से कठिन और असाध्य से असाध्य विकारों के लिए भी जड़ पर किस तरीके से काम हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप सारस्वत अरिष्ट के बारे में और जानिए। कहीं नामांकित मेध्य दवाइयां उसमें सारस्वत के कहीं कंटेंट है, जैसे एक्टिव वेद इंडिया सोलेस सी मेड टैबलेट, सोलेस सी मेड सिरप, मेंटेट सिरप, अश्वगंधा चूर्ण, हम देखते हैं कहीं ऐसे दवाइयां जैसे मानस मित्र वटकम, जैसे कि कहीं ऐसे कॉम्बिनेशन जिसमें सारस्वत का एक उत्तम रोल है। सारस्वत अरिष्ट लिक्विड फॉर्म में मिलने वाली अक्रॉस द ग्लोब काफी आसानी से दवाई है। सारस्वत अरिष्ट और सारस्वत अरिष्ट सुवर्ण युक्त, ऐसे दो तरह के दवाई है। सुवर्ण युक्त दवाइयां जिसे सुवर्ण कल्प हम कहते हैं, पूरा एक अलग शास्त्र है। आयुर्वेदिक ऑथेंटिक प्रैक्टिशनर के अंडर अगर ये दवा इस्तेमाल करते हैं तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं देखते, फायदा देखते हैं, इंप्रूवमेंट देखते हैं। दवा अगर प्रसाद की तरह लेते हैं, लाइफ लॉन्ग लेते हैं, तो साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर एक प्रैक्टिशनर के हिसाब से टाइमली हम चेंजेस करते हैं, एक युक्ति प्रमाण से दिए हुए दवाइयां हमेशा जड़ पे काम करते हैं और उसका लॉन्ग टर्म जड़ से रिजल्ट्स हम देखते हैं। तो सारस्वत अरिष्ट अद्भुत फायदे, मैं चाहता हूं आप इसके बारे में सर्च करिए, इसके बारे में जाने और नजदीकी ऑथेंटिक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर द्वारे उनके गाइडेंस के अंडर इस दवा की शुरू करिए। और आयुर्वेद वैद्य आपको और अनेक चीजें बताएंगे, जैसे सुवर्ण प्राशन हो गया, विद्ध कर्म हो गया, कुछ लेपन हो गया, नस्य हो गया, पिंपल पान विधि हो गया, ऐसे कई अलग अलग अद्भुत चिकित्सा पद्धत जो आज आयुर्वेद में है और लाखों पेशेंट इसका फायदा लेते हैं सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद द्वारे। सो काय बाल ग्रह उर्ध्वां शल्य दंश जरा वृषा, इस आयुर्वेदिक साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट या शास्त्र को जाने पहचाने, चूज आयुर्वेद, चूज वाइजली एंड सी द ग्लोरीज ऑफ हाउ दीज चिल्ड्रेन इंप्रूव। दिस वॉज ऑल फॉर नाउ। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये था आज का वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इंप्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।